1850 से पहले तक था, उसके बाद तो बैन हो गया था। 1843 में महाराजा मान सिंह जी के भाई थे, उन्होंने अभी भी हर अमावस को उसकी पूजा। उनका पीना, उनके जानवर, इनका जो सेना है वो, उनके जानवर, उन सबको रखने की जगह, उनके जो भी राज का जो ऑफिसेस वगैरह होते थे, कोर्ट होते थे, वो सारे यहाँ होते थे। तो ये सारी जो जगह है इसके साइड में है, ये सब उनके लिए। और यहाँ पे जो पैलेस जो स्टार्ट हुआ है, इसमें जो नीचे वाली जगह है, जो आगे वाला है, ये है जिसमें ये कमरे बने हुए हैं, जो पालकी खाना और ये है, ये सब उस समय उनके ऑफिसेज और उनका कोर्ट हो गया, उनका रेवेन्यू हो गया, खजाना हो गया, उनके हर एक चीज़ जो उनके काम आती थी राजकाज में, वो सारा एक नीचे होता था। दीवाने आम, दीवाने खास सुन रखा होगा, तो वो आगे वाला दीवाने आम है। ये एक यहाँ पे एक मार्बल का सिंहासन है और थ्रोन है। ये एक्चुअली यहाँ पे जब राजतिलक होता है, वो यहाँ लाडो राजा बनेगा, उसके वहाँ पे राजतिलक होता है। तो अभी रानियां ऊपर से देख सकती थी, रानियों का जो पैलेस होगा वो हमेशा इस तरह से डेकोरेट होगा, जो जालियां बनी हुई होगी। यहाँ से आप कुछ नहीं देख सकते अंदर, लेकिन वो आराम से नीचे जा सकती है। ये लास्ट टाइम जब यूज हुआ था तो 1952 में, जो अभी जो राजा हैं वो सिर्फ 4 साल के थे जब उनके फादर की डेथ हो गई थी। एक छोटा सा प्लेन लेके जा रहे थे वो, दो 2 सीटर फुल चला के, और वो क्रैश हो गया। तो ये राजा अभी भी है। हाँ वो राजा है ना, उम्मीद जोन में रहते हैं, वो छोटे बच्चे की फोटो दिख रही है एक साइड में, वो 74 इयर्स के हैं और उनकी फैमिली के साथ में उम्मीद जोन में रहता है। उसका एक आधा भाग तो होटल है और एक भाग में वो रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजा है और लोग मानते हैं, कोई पॉलिटिकल पावर्स वगैरह नहीं है, लेकिन आज भी कोई भी अगर फंक्शन होता है तो सबसे पहले वही है। ये इनके फादर का है जिनकी डेथ हो गई थी। तो अभी यहाँ नीचे जो है, तो ये इनके गैलरीज हैं, इनके जो पालकियाँ वगैरह, जो हाथी के ऊपर जब बैठ के जाते थे उसके ऊपर जो सीट लगती थी, तो ये पहले वाली गैलरी तो उसके लिए। तो ये अभी गवर्नमेंट ने ले लिया है या अभी भी राजा के अंदर में? अभी राजा के अंदर में है, ये म्यूजियम ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दिया। जो भी पैसा हम देते हैं टिकट का, फिल्म शूटिंग होती है एक, उसमें देखा होगा ना सलमान खान वाली मूवी हम साथ साथ, अब ये यहीं पे शूटिंग हुई है ना, तो उस सब के लिए ये जगह काम आती है। और ये अभी भी इसका जो भी पैसा आता है वो इसके रेस्टोरेशन में जाता है, इसके देख रेख में, इसके रेस्टोरेशन के लिए, देख रेख के लिए और लोगों को संख्या। तो इसमें एक तो हाथी की रखनी, हाथियों के ऊपर जो हदे रखते थे वो रखने की है वो जगह। तो यहाँ पे चांदी के बने हुए पूरे ऊपर सोने का काम, छतरियाँ जो है बीच में, और बड़ी वाली सीट आगे राजा के लिए, पीछे वाले पक्षी वाले को, बाकी रानियाँ जो गाँव के भी जाती थी उनके लिए पालकियाँ होती थी।
छाता अभी जब तक कम है बारिश बोली वहाँ जाके आ जाए साइड साइड ऊपर ऊपर में चलिएगा फोर पे मत चलना गिर जाएंगे चल चला पाएगा सर दिलवर का हाल तो पूरे चांदी बदले ये हाथी के ऊपर रख के फिर इनको चेन और बेल्ट से बांध दिया जाता था। हाँ। ये वाली जो है ये शाहजहां ने गिफ्ट की थी। अच्छा। महाराजा जसवंत सिंह जी फर्स्ट को। अच्छा। बाद में इतना पुराना कर दिया पूरा चांदी का लगा। भारी बना है ना चलने वाला जो रास्ता है ना वो सेम ही यहाँ आ जाइए पास में मतलब इधर का
जो रास्ता है वो सेम ही दिखता है, इसलिए लगता है दिखता है, इसलिए हम है ना साथ में आपके रास्ता बताने के लिए। ये रानियों की महल है जहाँ पे हर रानी का उनको उनके जो राजा थे वो कितना ध्यान रखते थे, कौन कितनी खास थी, अच्छा। उसके हिसाब से उनकी अपार्टमेंट की साइज, तो फिर छोटा कोई बड़ा, अपने बच्चों के साथ में, अपने मेड के साथ में, सब अलग अलग अपार्टमेंट्स में। और जब कोई भी कोई फंक्शन वगैरह होता या उनका जो डेली जो नाच गाना वगैरह, ये है जो तुलसी जो लगी रहती थी सुबह उठने के बाद में, नहाने के बाद में, वो तुलसी माता बीच में थी। ये जो कमरे हैं उनके साथ में खाने वाने जो करने का, वो सारा ये कॉमन एरिया है। ये है आपका जो स्पेशल जो मीटिंग रूम हुआ करता था, जहाँ पे उनके मंत्रियों के साथ में बैठक वगैरह करते थे जब अपन वो साइड से देख रहे हैं। बस वो कुछ वर्ड्स आते हैं, काई जाला टिकड़े, बाकी नहीं है। तो ये जो है कमरा, इसमें देखे आप जो सिंहासन लगाया और पास में बैठने की जगह वगैरह है, तो यहाँ पे जो इनके खास सिपे सलार वगैरह होते थे वो बैठ के मीटिंग करते थे। पूरी जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, उसके अंदर मिरर्स फिट, और जब यहाँ पे दिए लगाते थे तो यहाँ पे साइड में देखो आले हैं तीन साइड में, तो जब इनमें दिए लगाते थे तो काफी अच्छा रिफ्लेक्शन आता था, मूर्तियों की तरह। ये उनके ऊपर टेंट का, तो उस समय जब वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं आया जाया करते थे, हाथी पे जाते थे 15 से 20 किलोमीटर एक दिन, इसके बाद में रुकना पड़ता था। उनके पूरा डेरा, अच्छा, उनके पूरा डेरा चलता था उनके साथ में, तो उनके खाने का, पीने का, उनके कुक, उनके जो सिपाही हैं, उनके जो भी नाचने गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, सारे लोग उस लवाजमे में जाते थे। और जहाँ कहीं वो रुकते थे तो टेंट लगाते थे इस तरह के। ये एक जो पीस है 18वीं शताब्दी का है, और एक ये पीस करीबन एक साल लगता था इसको बनाने में, और करीबन 40 औरतें साथ में काम करती थी। तो इतना इतना पीस जो टुकड़ा है वो पहले 5 अलग अलग कॉटन की सीटों को फोल्ड करके और उसके बाद ज्वाइंट करके और ये एम्ब्रॉयडरी, तो एक ही पीस इतना टाइम है। इसके पार्टीशन भी ऐसे रहते थे, जहाँ कहीं वो बैठते थे तो राजा के लिए जहाँ कहीं बैठते थे तो एक छत्र लगता था जो 4 बांस के ऊपर लगता था। ये देखो आप, ये पूरा सोने का काम है। इनके जो रानियों की जो पोशाक वगैरह होती थी पूरे सोने की बनी हुई, ये देखो पक्की जरी, ये देखो आप सानी की पोशाक, पूरा सोने का काम। देखो जब भी कहीं इसीलिए तो काला नहीं हुआ, काला तो चांदी होती थी, सोना कब काला, वही तो काला नहीं हुआ, उसका रंग नहीं उतरा। और ये देखो आप, ये है शीश में तारों का जरी का काम, ये है शीश में जिसमें इंपोर्टेड जो कांच उनसे लगा के पूरा डेकोरेट किया हुआ है। महाराजा मान सिंह का चेंबर हुआ करता था, 1900 शताब्दी के स्टार्टिंग में उनका रूम था, पूजा पाठ के लिए काम में लेते थे, वेलिडेशन वगैरह। तो ये पूरी जो पेंटिंग्स है साइड में
पूरी भगवान की पेंटिंग से चाहिए। और जब ये दिए लगाते हैं तो अच्छा लगता है। ये नीचे जो एक पूरा बड़ा पीस है ये एक्चुअली इसके ओरिजिनल सीलिंग है। तो जिस समय ये म्यूजियम में कन्वर्ट किया तो टूटी हुई जो सीलिंग थी उसको उसी फॉर्म के साथ में रिप्लेस किया। यहाँ से ऊपर चलेंगे, यहाँ का जो सबसे सुंदर कमरा है वो देखने शीश महल। शीशे ही शीशे का काम होते नाम पर आ रहे शीश महल। यहाँ आगे आ जाओ, ये देखो, ये फूल महल है। फूल महल, हाँ, पूरा सोने से डेकोरेटेड। इसकी छत देखो, पूरी लकड़ी की छत है और इसके ऊपर सोने की परत है। वो सारी जो पेंटिंग्स है इसमें आपको सोने का रिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये 18वीं शताब्दी के मिड में महाराजा साहब ने एक जो यहाँ का जो फेमस आर्टिशन था उसको बुलाया और उसको कहा कि कमरा तैयार करो जहाँ पे मेरे जो खास मेहमान आए, जो मतलब डिप्लोमेट्स हैं, उनके जो दूसरे राजा हैं जो मिलने के लिए आते थे, तो उनके साथ बैठ के मीटिंग करना और उनको एंटरटेन करना, जहाँ पे डांसर्स वगैरह डांस किया करते थे, नाच गाने का प्रोग्राम। करीबन 15-16 साल लगे थे उसको बनाने में। अभी भी उसकी पेंटिंग ऊपर अच्छी साइड बिल्कुल अच्छे से रेस्टोर किया हुआ है। आज भी जो इनका जो परिवार है डालचंद जी का, जिन्होंने आज उनका परिवार ही है जो इनकी देख रेख करते हैं। सारे जो रीपेंट नहीं होता, रेस्टोर होता है। अगर कुछ खराबी हो जाए तो उसको रेस्टोर करते हैं, या अगर कोई हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले से ही क्या। वो बच्चा रो रहा है, वो क्योंकि ऊपर लेके चले जाए, ऊपर खुली छत है, हवा वगैरह आएगी। अभी भी कौन सा ये रिंग्स हैं जो उनके पर्दे लगते थे, पर्दे ढकने के लिए झूला, ये बीच में है जो झूला लगता था उनका, जो पंखा लगता था। अभी तक देखो पेंटिंग कितना सुंदर लग रहा है मुंडे ऊपर से। ऊपर आ रही है, अब ये खुला एरिया थोड़ा सा वो निकल जाए तो कुछ नहीं। चलो यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से जा सकते हैं लेकिन अभी कहाँ जाएंगे। नहीं नहीं वो बंद है, ये रास्ता पहले शॉर्टकट है, निकलना है सबको डायरेक्ट जाने के लिए। टेरेस देख रहे हैं जहाँ पे रानी घूमती थी, वैसे हमें एक हमारा दोस्त मिल गया है जिसका नाम शरद है, जो अभी फोटोग्राफी कर रहा है। हमारा मॉडल इधर खड़ा है और ये हमारा फोटोग्राफर जो अभी फिलहाल के लिए फ़ोटो निकाल रहा है, बाद में हम भी बोलेंगे हमारा फोटोज निकाले। तो हमारी जो स्केटर गर्ल है सही, यहाँ से हम अभी नीचे जा रहे हैं। देखिए ये वही घर है जो अभी फिलहाल के लिए बंद किया है। ये क्या है? वो जो दरवाजा है। हाँ, उसका रेंट है। वो यहाँ पे आता है। इससे कनेक्ट होता है। हाँ। और ये क्या? कौन सा? ये को कोई उनके।
बोले हवा आने के लिए जगह। उस समय जब वो एक जगह से दूसरी जगह कहीं आया जाया करते थे, हाथी पे जाते थे 15 से 20 किलोमीटर एक दिन में, इसके बाद में रुकना पड़ता था। तो उनके पूरा डेरा, अच्छा उनके पूरा डेरा चलता था उनके साथ में। तो उनके खाने का, पीने का, उनके कुक, उनके जो सिपाही हैं, उनके जो भी नाचने गाने वाले हैं, बजाने वाले हैं, सारे लोग उस लवाजमे में चलते थे। और जहाँ कहीं वो रुकते थे तो टेंट लगाते थे इस तरह के। ये एक जो पीस है 18वीं शताब्दी का है, और एक ये पीस करीबन एक साल लगता था इसको बनाने में, और करीबन 40 औरतें साथ में काम करती थी। बाप रे, इतना इतना पीस जो टुकड़ा है वो पहले 5 अलग अलग कॉटन की सूतों को उल्ट बनाते और उसके बाद जॉइंट करके और ये एम्ब्रॉयडरी की। तो एक ही पीस इतना टाइम है। इसके पार्टीशन भी ऐसे रहते थे, जहाँ कहीं वो बैठते थे तो राजा के लिए जहाँ कहीं बैठते थे तो एक छत्र लगता था जो 4 बांस के ऊपर लगता था। ये देखो आप, ये पूरा सोने का काम है। इनके जो रानियों की जो पोशाक वगैरह होती थी पूरे सोने की बनी हुई। ये देखो काला तो चांदी होती थी, सोना कब काला? वही तो मैं, काला नहीं हुआ, उसका रंग नहीं उतरा। और ये देखो, ये है शीशे के तारों का जरी का काम। ये शीश में जिसमें इम्पोर्टेड जो कांच उनसे लगा के पूरा डेकोरेट किया हुआ है। महाराजा मान सिंह का चेंबर का बेटा, 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में उनका रूम था, पूजा पाठ के लिए काम में लेते थे ज्यादा, मेडिटेशन वगैरह। तो ये पूरी जो पेंटिंग्स है साइड में, ये पूरी भगवान की पेंटिंग से थी। और जब ये दिए लगाते थे अच्छा लगता था। ये नीचे जो एक पूरा बड़ा पीस है, ये एक्चुअली इसकी ओरिजिनल सीलिंग है। तो जिस समय ये म्यूजियम में कन्वर्ट किया तो टूटी हुई जो सीलिंग थी उसको उसी फॉर्म के साथ में रिप्लेस किया। यहाँ से ऊपर चलेंगे, यहाँ का जो सबसे सुंदर कमरा है वो देखो, शीश महल। शीशे ही शीशे का काम होते नाम पर आ रहे शेख महल। यहाँ आगे आ जाओ, ये देखो, ये
फूल महल है। फूल महल हाँ, पूरा सोने से डेकोरेटेड। इसकी छत देखो, पूरी लकड़ी की छत है, इसके ऊपर सोने की परत है। सारी जो पेंटिंग से इसमें आपको सोने का रिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये 18वीं शताब्दी के मिड में महाराजा साहब ने एक जो यहाँ का जो फेमस आर्टिशन था उसको बुलाया और उसको कहा कि कमरा तैयार करो जहाँ पे मेरे जो खास मेहमान आए, जो मतलब डिप्लोमेट्स हैं, उनके जो दूसरे राजा हैं जो मिलने के लिए आते हैं कहीं, तो उनके साथ बैठ के मीटिंग करना और उनको एंटरटेन करना, जहाँ पे डांसर्स वगैरह डांस किया करते थे, नाच गाने का प्रोग्राम। करीबन 15-16 साल लगे थे उसको बनाने में। अभी भी उसकी पेंटिंग ऊपर अच्छी बिल्कुल अच्छे से रेस्टोर किया हुआ है। आज भी जो इनका जो परिवार है डालचंद जी का, जिन्होंने बनाया था, आज उनका परिवार ही है जो इनकी देख रेख। सारे जो रीपेंट नहीं होता, रेस्टोर होता है। अगर कुछ खराबी हो जाए तो उसको करते हैं, या अगर कोई हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले से ही क्या। वो बच्चा रो रहा है, वो कोई कहेंगे ऊपर लेके चले जाए, ऊपर खुली छत है, हवा वगैरह आएगी। अभी भी कौन सा ये रिंग्स हैं जो उनके पर्दे लगते थे, पर्दे ढकने के लिए झूला, ये बीच में है जो झूला लगता था उनका, जो पंखा लगता था। ऊपर आ जाइए, अब ये खुला एरिया थोड़ा सा वो निकल जाए तो कुछ जा सकते, लेकिन अभी कहाँ जाएगी। नहीं नहीं वो बंद है, ये पहले शॉर्टकट रहने का था सबको, डायरेक्ट जाने के लिए चेंज किया। चला।